हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको एक बड़ा एक्सटेंशन बोर्ड बनाने के लिए और कुछ नए तरीके से और कुछ नया चीज़ इसमें दिखाने वाला हूं आपको। तो दोस्तों, इसमें जो कनेक्शन होगा तो 5 5-पिन सॉकेट है हमारे पास और 3 स्विच है, एक इंडिकेटर है और एक फ्यूज़ है। तो दोस्तों, ये एक स्विच से ये 3 सॉकेट रहेगा और ये एक स्विच से ये एक सॉकेट और ये एक स्विच से एक सॉकेट। इसमें जो है दोस्तों, इसमें हम एक वोल्ट मीटर लगाएंगे और एक एम्पियर मीटर लगाएंगे, जो कि दोस्तों ये बिल्कुल न्यू है। और इससे हमें क्या पता चलेगा कि दोस्तों इस बोर्ड में कितना वोल्ट आ रहा है, इस बोर्ड से कितना एम्पियर हम करंट को यूज़ कर रहे हैं। सो दोस्तों, इसका कनेक्शन किस हिसाब से किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, वो सारी जानकारी आज इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो दोस्तों, हमारे वीडियो पे कंटिन्यू बने रहें। और दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों जल्दी से जा करके लाल बटन को दबा कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसको मैं उल्टा कर दिया हूँ, इसमें मैं थोड़ा जल्दी से कनेक्शन कर लेता हूँ और उसके बाद लास्ट में आपको कनेक्शन समझाया जाएगा और ये एम्पियर मीटर का और वोल्ट मीटर का कनेक्शन आपको दिखा के किया जाएगा स्लो में। मैं इसको थोड़ा फास्ट कर लेता हूँ। बोर्ड का जो कनेक्शन है दोस्तों, सॉकेट और स्विच का ये कंप्लीट हो चुका है, बचा है फ्यूज़ और इंडिकेटर और एक वोल्ट मीटर और ये है जो एम्पियर मीटर। दोस्तों, इसका कनेक्शन अभी बचा हुआ है। वोल्ट मीटर और एम्पियर मीटर का कनेक्शन कर लेते हैं, साथ साथ फ्यूज़ और इंडिकेटर का भी कनेक्शन हो जाएगा। ये येलो वायर जो है दोस्तों, ये हमारे पास फेज वायर है, तो वोल्ट मीटर के एक पॉइंट पे फेज वायर को डाल देना है और इसी से लूप करके एम्पियर मीटर को करंट देना है। उसके बाद दोस्तों, इस बोर्ड का फुल कनेक्शन जो है, पूरा कनेक्शन आपको समझाया जाएगा लास्ट टाइम एक बार, ताकि आपको समझ में आ जाए आसानी से। और इसको जो है दोस्तों, आप फेज़ दे देना है, तो फेज़ मैं ये स्विच से दे देता हूँ, ये वाले स्विच से मैं इसको फेज़ देता हूँ एम्पियर मीटर और वोल्ट मीटर को। अब जो है दोस्तों, ये ब्लैक वायर जो है, ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल को जो है वोल्ट मीटर के दूसरे पॉइंट पे कनेक्ट कर देना है, इससे लूप करके एम्पियर मीटर को न्यूट्रल देना है। इसका न्यूट्रल दोस्तों यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ, आप कहीं से भी न्यूट्रल दे सकते हो जहाँ से आपको आसानी हो, पर इसको न्यूट्रल ही देना है। इसमें एक में न्यूट्रल, एक में फेज देना है
कोई ज़रूरी नहीं कि न्यूट्रल इसी साइड होना चाहिए, फेस भी इस साइड हो तो कोई बात नहीं। अब ये जो न्यूट्रल है दोस्तों, इसको मैन के साथ न्यूट्रल डालेंगे। ये हमारे पास रेड वायर फेस है और ब्लैक वायर न्यूट्रल है, तो सॉकेट का न्यूट्रल मैन न्यूट्रल के साथ अटैच कर देना है और फिर इंडिकेटर पे डाल देना है। इंडिकेटर के दूसरे पॉइंट पे फेज डालना है। इस फेज को भी मैं स्विच से ले लेता हूँ, किसी सॉकेट से नहीं लेना दोस्तों। सॉकेट से लेने के बाद क्या होगा कि जब आप स्विच ऑन करोगे तभी इंडिकेटर ऑन होगा, और हम ये स्विच के नीचे वाले पॉइंट से जो मैं शॉर्ट किया हूँ उससे लेने के मकसद ये है कि कंटिन्यू इंडिकेटर शो करते रहेगा बोर्ड में करंट है या नहीं है, चाहे आपका सॉकेट ख़राब हो जाए या आपका स्विच ख़राब हो जाए, इंडिकेटर शो करते रहेगा कि हाँ आपके बोर्ड में करंट आ रहा है। इसलिए दोस्तों कभी भी आप कनेक्शन करें इंडिकेटर का, तो जो हमारे पास डायरेक्ट करंट आ रहा है उसी से कनेक्ट करें इंडिकेटर का फेस वायर को और न्यूट्रल वायर को भी। अब जो है दोस्तों, ये फेज़ वायर है और ये भी फेज़ वायर है, ये मैन है और ये बोर्ड का है, तो इसमें दोस्तों एक सीटी कॉइल को, ये जो है ये सीटी कॉइल है जो एम्पियर को बताने के लिए ये सीटी कॉइल होता है, और इसको जो है दोस्तों लोड वायर के साथ बीच में, जैसे कि ये लोड वायर हमारा मैन वायर है कि इसी वायर से हमारा जितना भी लोड होगा इस बोर्ड के अंदर इसी वायर से लोड चलेगी, तो इसके अंदर डाल देना है और किसी वायर के अंदर नहीं डालना है। आपको इसी वायर के अंदर डालना है, जो एक वायर हो पूरे बोर्ड को चलाएगा, मैन वायर हो बोर्ड का, उसी वायर में इसको डालना है। चाहे आप न्यूट्रल में भी डाल सकते हैं, मैं इस वायर में भी डाल सकता हूँ, चाहे न्यूट्रल में डालो या फेज में डालो, इस पर कोई डिपेंड नहीं करता है। इस वायर को मैं फ्यूज़ के दूसरे पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया। अब जो है दोस्तों, ये वायर मैन है हमारे पास रेड वायर, इसको फ्यूज़ के ऊपर वाले पॉइंट पे कनेक्ट करना है। दोस्तों कनेक्शन जो है कंप्लीट हो चुका है, और ये जो है दोस्तों ये एम्पियर मीटर है, एम्पियर मीटर में ये दो वायर होता है ऑलरेडी पहले से ही, और ये सीटी कॉइल है, इसको कनेक्ट कर देना है सीधा ध्यान से। अब जो है दोस्तों, इस बोर्ड का कनेक्शन जो है कंप्लीट हो चुका है। आपको शायद समझ में अभी तक नहीं आया होगा, पर अभी अब जो है समझ में आपको आ जाएगा। पहली बात तो दोस्तों, इसमें मैं अर्थिंग का कनेक्शन नहीं किया हूँ, और अर्थिंग का कनेक्शन करना चाहिए, पर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है इसलिए मैं अर्थिंग का कनेक्शन नहीं किया हूँ। आप कर सकते हैं, इजी है, इसलिए मैं इसको छोड़ दिया हूँ। ये अर्थिंग पॉइंट है, ये अर्थिंग पॉइंट, ये अर्थिंग पॉइंट, ये अर्थिंग पॉइंट, ये अर्थिंग पॉइंट। जितना सॉकेट हमारे पास है, पाँच सॉकेट है, तो पाँच अर्थिंग पॉइंट भी है। अब इस अर्थिंग पॉइंट से इसमें, और इससे इसमें, इससे इसमें, इससे इसमें, ये पाँचों अर्थिंग पॉइंट को ओनली कनेक्ट कर देना आपस में, और एक पॉइंट से जो मैन हमारा अर्थिंग आ रहा है बोर्ड के अंदर उसमें कनेक्ट कर देना। तो दोस्तों अर्थिंग का फंडा जो है आप समझ चुके होंगे, अब पहले फेस समझ लेते हैं। जैसा कि दोस्तों अभी इससे पहले मैं बताया कि ये मैन वायर है बोर्ड का, लोड को पूरा इस बोर्ड का जितना भी लोड है इस वायर पर रहेगा, तो इस वायर को यहाँ से ला करके ये तीनों स्विच के नीचे वाले पॉइंट पर मैं कनेक्ट कर दिया हूँ। जैसा कि आपको दिख रहा होगा ये तीनों पॉइंट आपस में शॉर्ट है, ये एक दूसरे से शॉर्ट है, ये इससे शॉर्ट है और ये इससे शॉर्ट है, और फिर यहाँ से निकल के फ्यूज़ में चला गया ताकि इससे डायरेक्ट कनेक्ट हो जाए और यहाँ पे करंट आ जाए। अब दोस्तों सॉकेट का कनेक्शन समझ लेते हैं। तो दोस्तों ये सॉकेट का वायर जो है, सॉकेट का एल पॉइंट
से स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पे कनेक्ट है। जब मैं ये स्विच को ऑन करूँगा तभी ये सॉकेट हमारा ऑन होगा, वरना ऑन नहीं होगा। और दोस्तों नोटल डायरेक्ट है, पहले इसको समझ लेते हैं। सेम इसी हिसाब से इस सॉकेट के साथ है दोस्तों, इस वायर को इस पे कनेक्ट किया हूँ और आप देख रहे होंगे कि यहाँ से फिर मैं इस पे कनेक्ट किया हूँ। तो दोस्तों इसका रीज़न ये है कि सॉकेट पे L और N लिखा होता है, चाहे कोई भी सॉकेट हो, मॉडुलर हो या नॉर्मल हो, उस पे N और L लिखा हुआ होता है। पर दोस्तों फेज जो वायर होता है हमेशा राइट साइड होता है। अभी आपको ये लेफ्ट दिख रहा होगा, जैसे ही मैं इसको सीधा करूँगा दोस्तों ये राइट में करंट आ जाएगा। तो ये ध्यान में रखते हुए काम करें कि हमेशा फेज सॉकेट के अंदर राइट साइड ही होता है। इसी तरीका से इस सॉकेट का भी कनेक्शन है, मतलब एक स्विच से ये तीन सॉकेट हैं। तो ये सॉकेट का एल पॉइंट को ये एक दूसरे सॉकेट का एल पॉइंट से कनेक्ट है, और ये दूसरा सॉकेट के एल पॉइंट से तीसरे सॉकेट के एल पॉइंट पे कनेक्ट है, और फिर यहाँ से इस स्विच में कनेक्ट है। जब मैं ये बीच वाले स्विच को ऑन करूँगा तो हमारा सॉकेट ये ऑन हो जाएगा। और दोस्तों ये जो फेज़ वायर है यहाँ से स्विच के जो डायरेक्ट वाले वायर हैं, तो इस इंडिकेटर को करंट मिल रहा है इंडिकेटर ऑन होने के लिए। और दोस्तों यहाँ से सॉकेट से इंडिकेटर को न्यूट्रल मिल रहा है, और डायरेक्ट भी इंडिकेटर यहाँ पे आ रहा है। यहाँ से लूप हो करके इस सॉकेट में, सारे सॉकेट में फिर रहे हैं, पाँचों सॉकेट में। तो दोस्तों आप इसका कनेक्शन समझ चुके होंगे। और ये फ्यूज़ है, जब वायर लोड हमारे बोर्ड पे ज़्यादा हो जाता है तो फ्यूज़ का वायर जो होता है दोस्तों बिल्कुल पतला लगाया जाता है उसमें, और वो जल जाता है, ताकि हमारे बोर्ड के अंदर का वायर ना जले, फ्यूज़ इससे पहले वो जल जाता है। कनेक्शन आप समझ चुके होंगे इसका। अब बचा दोस्तों ये एम्पियर मीटर और वोल्ट मीटर। तो एम्पियर मीटर और वोल्ट मीटर, ये वोल्ट मीटर है हमारा, इसके एक पॉइंट से एम्पियर मीटर के दूसरे पॉइंट पे है, और एम्पियर मीटर के दूसरे पॉइंट से लूप हो करके यहाँ पे न्यूट्रल हमारा मिल रहा है सॉकेट से। तो दोस्तों ये न्यूट्रल है, इसमें दो पॉइंट है और इसमें दो पॉइंट है। तो एक पॉइंट पे न्यूट्रल हो गया दोनों में, और दूसरे पॉइंट पे फेज़ है। वोल्ट मीटर के फेज़ वाले पॉइंट से एम्पियर मीटर के फेज़ वाले पॉइंट पे कनेक्ट है, और यहाँ से एक बार यहाँ स्विच के डायरेक्ट नीचे वाला जो वायर है शॉर्ट है, जो कि डायरेक्ट हमारा करंट हमेशा चलता रहेगा यहाँ पे, उस जगह पे कनेक्ट है। तो दोस्तों आप समझ चुके होंगे, सिंपल से बात यह है कि वोल्ट मीटर में दो पॉइंट है और एम्पियर मीटर में दो पॉइंट है। तो दोस्तों एक पॉइंट न्यूट्रल का होता है, एक पॉइंट फेस का होता है, आप ये चीज़ ध्यान में रखें। बाकी बात, मैं न्यूट्रल इस साइड डाले हैं, आप इस साइड भी डाल सकते हैं, फेस को इस साइड कर सकते हैं, इस पर कोई डिपेंड नहीं है। जैसे सॉकेट में है एल और एन को ध्यान में रखते हुए डालना पड़ता है, इसमें वैसा कुछ भी नहीं है। आप किसी भी पॉइंट में फेस डाल सकते हो और किसी भी पॉइंट में न्यूट्रल डाल सकते हो। और ये जो है दोस्तों सीटी कॉइल है हमारे पास, और सीटी कॉइल एम्पियर मीटर जो है, एम्पियर मीटर उसमें कनेक्ट है। दोस्तों अगर ये सीटी कॉइल नहीं होता तो एम्पियर मीटर सिर्फ लाइट जलती, एम्पियर नहीं शो करता। इसलिए दोस्तों सीटी कॉइल लगाया जाता है कि एम्पियर शो करे हमारे एम्पियर मीटर पे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इसका कनेक्शन कंप्लीट आप समझ चुके होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट है आपको तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। अब दोस्तों इसको ऑन कर लेते हैं, और इस बोर्ड पे लोड दे करके आपको टेस्ट कराता हूँ कि एम्पियर ये कैसे शो कर रहा है और वोल्ट ये कैसे शो कर रहा है, वो आप अपनी आँखों से खुद देख लोगे। जैसा कि दोस्तों ये बोर्ड में करंट आ चुका है, और यहाँ पर हमारा वोल्ट शो हो रहा है 239, 238, 240 पे चल रहा है। 238 हुआ, अब 239 हुआ, 239 वोल्ट है, अब 238 वोल्ट है, और एम्पियर अभी 00 बता रहा है। और वोल्ट जो है 239, 40, 238 वोल्ट बता रहा है, और इस पे 0 है। अब जो है दोस्तों ये सॉकेट में इसको डाल देते हैं। ये जो है हमारे पास वाटर हीटर है, और इसको स्विच को ऑन कर देते हैं, ये सॉकेट में करंट आ जाएगा, फिर एम्पियर शो करेगा। तो जैसा कि दोस्तों ये एम्पियर आपको दिख रहा होगा, 6 एम्पियर हमारा वाटर हीटर यूज़ हो रहा है, 6 एम्पियर करंट ले रहा है, मतलब 6 एम्पियर अभी इस बोर्ड से करंट यूज़ हो रहा है। और दोस्तों ये दूसरा जो है ये आयरन है, अब इसको दूसरे सॉकेट में मैं डाल देता हूँ। अब ये स्विच ऑन करते हैं। अब जो है दोस्तों इसमें 13-14 एम्पियर यूज़ हो रहा है इस बोर्ड से करंट, और करंट जो है ये वोल्ट जो है दोस्तों 223 वोल्ट हो गया है, और एम्पियर जो यूज़ हो रहा है
तो 14, 13, कभी 15 भी हो जा रहा है दोस्तों, अभी 13 चल रहा है। तो दोस्तों आप समझ चुके होंगे ये इस बोर्ड में एम्पियर मीटर और वोल्ट मीटर लगाने का क्या मकसद है। मैं ये स्विच को ऑन कर दिया, मतलब ये जो है वाटर हीटर हमारा ये बंद हो चुका है। तो दोस्तों ये हीटर अभी ऑन है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा ये स्विच ऑन है, तो 7 एम्पियर यूज़ हो रहा है, मतलब 7 एम्पियर यूज़ हो रहा है ये आयरन के साथ, मतलब प्रेस जो है हमारे पास वो 7 एम्पियर करंट ले रहा है। और इसके साथ वाटर हीटर हम अगर ऑन करते हैं तो यही करंट जो है 14 एम्पियर हो जाता है, मतलब 7 एम्पियर ये भी ले रहा है और 7 एम्पियर ये भी ले रहा है, दोनों का लोड बराबर है। इसलिए कि दोस्तों ये जो दोनों है एक ही चीज़ है, दोनों में हीटर हीटर ही लगा हुआ है और सेम वाट का है, इसलिए यूज़ सेम एम्पियर कर हो रहा है। इसमें 14 एम्पियर, अब इसको मैं बंद करूँगा तो ये भी शायद 6 एम्पियर, मतलब 6 एम्पियर ये ले रहा है करंट जो हमारे पास हीटर है, और वोल्ट भी कम हो जाता है, 224 वोल्ट 14 एम्पियर। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो ही लाइक करना, वरना डिसलाइक कर देना दोस्तों। और दोस्तों अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना नई नई वीडियो देखने के लिए, और दोस्तों बेल आइकन को ज़रूर दबाना। उससे क्या होगा दोस्तों, जब भी हमारा वीडियो अपलोड होगा न्यू, तो दोस्तों आपके पास एक नोटिफिकेशन जाएगा, उससे आपको पता चलेगा कि हाँ इसके इलेक्ट्रिक सेंटर की तरफ से एक वीडियो अपलोड हुआ है। सो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बेहद पसंद आया होगा दोस्तों, और वीडियो हमारा अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।